इलेक्शन के बाद ये हमारा पहला इंटरव्यू है आपके साथ, सो मिस्टर रॉय अ ग्रेट कांग्रेचुलेशंस ऑन योर विनिंग. थैंक यू. सो इस बार दिल से दिलीप राय फिर से इतने सालों बाद रॉयलकला में वापस आके, एंड दैट टू आपने क्या जादू कर दिया कि रॉयलकला के लोग आपको जितना प्यार पहले करते थे उतना अभी करते या उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं? कुछ तो राज होगा सर, कुछ जादू तो आपने किया ही होगा. कितने दिन बाद आपको याद रखे? सी, मेरे से आई डोंट डू पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स. बिजनेस है, सब कुछ है, कुछ अपना जो जगह में हम पले बड़े हैं उसके लिए भी कुछ करना है. और ये मेरा खानदानी जगह है, मेरे पिताजी भी यहाँ सोशल वर्क करते थे. तो जब दो टर्म में था यहाँ, बहुत लोगों से मिलजुल के किया, कभी वो डिस्टेंस होने नहीं दिया था. और लोगों का बेसिक एम्यूनिटीज़ पे मैं दिया था जो बस्ती वस्ती का, और लोगों को यहाँ, और उस टाइम वो चंदा डराना धमकाना वो सब काम कभी हुआ नहीं है मेरा टाइम में, ना मैं किया हूँ ना किसी को करने दिया हूँ. मेरे जाने के बाद लोगों को फील हुआ कि ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, अन्याय अत्याचार आप लोग भी सुने होंगे, चंदा अन्याय अत्याचार डराना भगाना वो सब था, वो सब बंद हो गया. प्लस अभी जब आई वॉज वेरी हैप्पी दैट जब 19 साल के बाद, मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा. आई हैड गॉन ऑफ दिस एमएलए थिंग, एमपी बना था और एमएलए का भी बना था, मैं बनूंगा बोल के सोचा नहीं था. बट आई वॉज वेरी सरप्राइज जब मैं बस्ती में गया और एक 14 साल का लड़का मेरे को बोल रहा है या 12 साल का लड़का बोल रहा है कि दिलीप भाई, वो भी मेरे को भाई बुला रहा है, ये ट्यूबवेल आप बनाए थे, ये रोड बनाए थे, ये नालियाँ आप बनाए थे. तो मतलब तुम तो, तुम्हारे माँ बाप तो शादी भी नहीं किए थे. बोले हम जैसे ही पैदा हुए हमारे माँ बाप ही बोले हैं. तो दैट समहाउ अदर वाज इनसाइड व्हेन मेरा डिट्रैक्टर्स केप्ट ऑन टेलिंग दैट वेयर वाज दिलीप राय फॉर 19 ईयर्स, दे प्रूव्ड दिस आई वाज इन देयर हार्ट. दैट इज आई थिंक दैट इज द रीज़न आई वॉन्ट. नहीं तो जिस टाइप का गवर्नमेंट मेरे अगेंस्ट में लगा था एंड जैसा प्रेशर था, सबको हरा दिया मोटा मोटी, एक्सेप्ट मी, मोटा मोटी ऑल द टॉप शॉट्स सब लूज किए हैं. सो आई एम थैंकफुल. आई थिंक दिट इज बिकॉज ऑफ माई पर्सनल वन टू वन रिलेशन विद देम दैट. एंड दो 19 ईयर्स आर नॉट हियर, मैं आके जब भी आता था 6-7 दिन साल में आता था, बट किसी का घर में डेथ हुआ ये हुआ, जितना मैं मिलना था मिलता था, दैट आई थिंक हैज हेल्प्ड. एंड दैट गुडविल ऑफ पुराना गुडविल ऑल्सो हैज हेल्प्ड. 16 में जिस दिन सर रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, आप यहाँ पे नहीं थे, आप बाहर में थे, तो रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले और रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपके मन में क्या चल रहा था, कुछ शेयर करना चाहेंगे सर? आप कैसे सी, मैं आई एम अ वेरी केयरफुल प्लेयर, बट एक स्मॉल इंसिडेंट हैपेंड जस्ट 4-5 डेज बिफोर इलेक्शन डे. ये तारिणी मंदिर में गया था, इट वॉज अबाउट 4 डेज बिफोर इलेक्शन. मंदिर में सडनली गया, नरियल दिया, निकल रहा था तो पंडित जी बोले कि पीछे में 1000-1200 आदमी खा रहे हैं, वह आप उनसे क्यों नहीं मिल लेते हैं? मतलब नहीं छोड़ो खा रहे हैं ना, उन लोग जानते मैं जा रहा हूँ कि मैं जानता था वो जा रहा हूँ. मैं जैसे ही गया, एवरी वन ऑफ गॉट अप टुगेदर, प्रसाद उसाद ऊपर चढ़ के आके मेरे को पकड़ लिया पूरा, मैंने ट्राइंग टू शेक हैंड्स विद द जूठा हैंड एंड हगिंग. दैट इज द टाइम आई न्यू दैट no one can stop me from winning because it was a very spontaneous. So on the day, from that day till my election also, I never thought ki, after election also I never thought ki, this then counting day also I never thought ki main haar raha hoon, I was very confident of winning. Yeah, in fact the day I was traveling from Gopalpur to Bhubaneswar on that day of counting, आई थिंक एक दो बार कोई फ़ोन किया होगा, मैं किसी को फ़ोन करके पूछा नहीं हूँ मेरा रिजल्ट क्या हो रहा है. जब आके 1:30 बजे करीब पहुँचा तब पता चला माई लीड इज सो मच एंड आई एम ऑलमोस्ट गोइंग टू विन दैट. सो आज ये रॉयलकला गवर्नमेंट हॉस्पिटल, व्हिच इज अगेन रॉयलकला लोगों के लिए है, क्योंकि हर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर सकता है, सो दैट इज द ट्रू फॉर गवर्नमेंट कॉमन लोगों के लिए. बट आप देखिए होंगे लाइक उसका कंडीशन, like there is no sufficient room, fan वगैरह नहीं चल रहे, cleanness नहीं है, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे या क्या step लेंगे लोगों के? नहीं, that is, I have already gone there twice. मैं जाके 2 बार देख के आया हूँ. अभी हम लोग RSP से जो 2 crore लाके हम लोग एक
जो अटेंडेंट आते हैं उनका रहने के लिए एक अरेंजमेंट किए हैं, उसमें बस्ती का 10-15 घर था उसको राके यहाँ रिसेटल किए हैं, रिसेटल अभी हो रहा है, तो आई थिंक विद इन नेक्स्ट राइट आफ्टर द पूजा वो काम चालू होगा। आई हैव ऑलरेडी स्पोकन टू द हेल्थ मिनिस्टर हियर कि आके इसको थोड़ा ठीक ठाक करें, कुछ फंडिंग भी चाहिए, उसके बाद हम लोग भी कुछ फंड जुगाड़ कर रहे हैं उसके बाद उसको करने के लिए। बट इन द मीन वाइल जो यू सेड राउरकेला का हेल्थ का प्रॉब्लम है, दैट आई टोटली अप्रिशिएट। एंड इसी बीच में मैं दिल्ली गया था, जो मोदी जी बोले थे कि IGH को एक मेडिकल कॉलेज करने के लिए, वी हैड ए लॉन्ग डिस्कशन देयर। इनफैक्ट बिफोर यू केम इन आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू डॉक्टर हर्षवर्धन ऑल्सो, डॉक्टर हर्षवर्धन से अभी बात हो रहा था दैट ई माइट कि क्या करेंगे उसके बारे में। वी वॉन्टेड दैट कि जल्दी हो जाए, अनफॉर्चुनेटली इनसे नहीं मिल सके हम PM से बिकॉज ही इज बिजी विथ दिस चाइनीज एम्बेसडर एंड नॉट, तो उसको भी हम टेकअप कर रहे हैं कि समा अदर एक मेडिकल कॉलेज आए। ESI वाले से भी, लेबर मिनिस्टर से भी बात हुआ है, लेबर मिनिस्टर से बात हुआ है कि ESI का अगर पूरा भी नहीं ले, पूरा आप तो ले चुके हैं, दे हैव ऑलरेडी स्पेंड 35 crores, दे सेड दे कांट, इट बी डिफिकल्ट, पार्ट ऑफ इट कैन बी ब्रॉट हियर बिकॉज मेजर इंश्योर्ड जो लेबर्स हैं दे आर फ्रॉम दिस रीजन, झारसुगुड़ा संबलपुर एंड ऑल दिस, सो वी आर फाइटिंग फॉर दैट, एटलीस्ट पार्ट ऑफ इट शुड कम हियर। तो यही सब चल रहा है एंड वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू टॉक टू हाईटेक, हाईटेक कुछ कर रहा नहीं है तो उनसे भी, यू कैन सी दिस डॉक्टर हर्षवर्धन, आई जस्ट टॉक टू हिम, लिखा है ना, आई जस्ट टॉक टू हिम दिस मॉर्निंग ऑल्सो कि कैसा AIIMS का क्या हो सके, बोले एक बार आ जाओ, AIIMS विल बी डिफिकल्ट, विल ट्राई टू डू समथिंग। सो वी आर ट्राइंग हेल्थ के लिए, अभी सो सैड कि द बेस्ट बिजनेस इन राउरकेला नाउ इज एम्बुलेंस, लगा दो और IGH जाओ वो लिख देता है कटक ले जाओ, भुवनेश्वर ले जाओ, दिस इज हैपनिंग। एंड अनफॉर्चुनेटली एयर एम्बुलेंस इज कमिंग 4-5 times इन अ मंथ हियर टू कैरी पेशेंट फ्रॉम हियर, सो वील हैव टू डू समथिंग अबाउट द हेल्थ। एंड दिस आई रेज्ड अप विद द असेंबली ऑल्सो कि अभी गवर्नमेंट ने 5 मेडिकल कॉलेज करने का डिसाइड किए हैं, मयूरभंज से लेके फुलवानी एंड ऑल दिस, दैट ऑल्सो मैं क्वेश्चन किया था उसका आंसर में दिया, दैट ऑल्सो आई पुट अप दैट यू शुड डू इट, डू वन हियर। देन आई हैव स्पोकन टू CM डायरेक्टली ऑल्सो एंड पर्सनली कि यहाँ कुछ किया जाए, तो एवरीथिंग इज ओनली 3-4 months ओल्ड, सो वी आर ट्राइंग आर बेस्ट टू डू समथिंग, आई एम श्योर समथिंग विल कम आउट ऑफ दिस। हाईटेक मेडिकल कॉलेज, जिस टाइम सर RGH को सबसे ज्यादा जमीन का जरूरत था, उस टाइम 10 acres जमीन दे दिया गया था हाईटेक को, ये सबको पता है, तो जो पैसा भी दिया है, पैसे भी दिए हैं, जो जो भी चीज हुआ है वो हमारे पूर्व नेता जो थे, हमारे पूर्व लीडर जो थे, जो गलती कर चुके हैं, तो अभी हाईटेक का जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है हाईटेक के लिए, प्राइवेट सेक्टर में जाके लोग दिखाने के लिए जो जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कोई भी वहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक नहीं दे रहे हाईटेक को, तो अभी तो जो जा चुका है जा चुका है, बट अभी क्या स्टेप ले सकते हैं? सी हाईटेक के बारे में भी वन ऑफ द पॉइंट वी डिस्कस विद द CM कि आप दिए हैं WODC पैसा भी दिया, जगह भी टोकन इसमें दिया है, इट्स ए टोटल फेलियर, प्लस दे हैव अदर प्रॉब्लम्स ऑल्सो, अदर लीगल एंड इलीगल प्रॉब्लम्स दे हैव बीन, सो वी आर जस्ट ट्राइंग दैट उसको अगर लेके कोई प्राइवेट पार्टीज को दिया जाए, आइदर दे सेल इट ऑफ और वी टेक इट फ्रॉम देम, वो सब करना, दैट इज वन ऑफ द पॉइंट्स वी डिस्कस विद द CM ऑल्सो। कुछ दिनों में वो लोग रिटर्न आ गए और दे आर नॉट रेडी टू गो बैक, दिस प्रूव्स कि वहाँ पे उनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है, तो उसके लिए आप क्या स्टेप लेंगे? हॉकी एक्सीलेंस से जो प्रेस नहीं किया जा रहा, ये 8 महीने पहले ले चुके हैं ऑलरेडी, वी आर ऑलरेडी फाइटिंग फॉर इट। मैं आके वन ऑफ द फर्स्ट पॉइंट, आई डिड नॉट नो अबाउट इट, मैं इलेक्ट होने के बाद विद इन 15 days सब आए थे मेरे को मिलने के लिए कि हमारे बच्चे वहाँ यहाँ करके खेलते थे, अब उनको ले गए हैं भुवनेश्वर लेके वहाँ कर रहे हैं, उनको खाना मिला नहीं मिल रहा है, स्कूल का प्रॉब्लम हो रहा है, रहने का प्रॉब्लम हो रहा है, सो व्हाट टू डू, सो आई टुक इट अप विद द स्पोर्ट्स मिनिस्टर, दे आर डूइंग समथिंग, बट इट्स नॉट ईजी दैट उनको फिर वापस ले आना यहाँ, बट यू नो द थिंग इज दैट एवरीथिंग इज गेटिंग आउट फ्रॉम हियर, ESI यहाँ होना चाहिए, चले गया हॉकी, दिस इज द प्लेस फॉर हॉकी टू ग्रो, छोटा नागपुर एरिया,
तो यहाँ से ऑल द इंडिया कैप्टन आर फ्रॉम दिस एरिया ओनली, तो उसको भी ले गए, मतलब दैट मीन्स द एवरीथिंग, कोई ले जा रहा था कोई यहाँ बोलने वाला नहीं था, जो लेना है ले जाओ यहाँ पे. सो आई हैव ऑलरेडी टेकन दैट अप ऑल्सो. इनफैक्ट इफ यू रिकलेक्ट, दिस इज द फर्स्ट, आई वॉज द फर्स्ट वन टू शाउट अबाउट दिस एक्सीलेंस. वी आर ट्राइंग टू वर्क आउट, देखते हैं. बट वो लोग लेके दे स्पेंड सम मनी, उसका अगेंस्ट कुछ पैसा लेके वो लोग बना होना चुके हैं, बट वी विल ट्राई टू डू दैट, कुछ करना पड़ेगा. बट फॉर दैट यू नीड स्टेट गवर्नमेंट्स हेल्प. वो तो लेने नहीं देंगे, हनुमान जी जाएंगे भी नहीं. आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं. सो हम लोग पहले भी देखे हैं कि यहाँ पे एयरवेज आया है, एयर सर्विस आया है, एक महीना डेढ़ महीना, देन दे हैव क्लोज्ड इट ड्यू टू अनसर्टेन रीजंस. तो सर इस बार क्या हम लोग उम्मीद कर सकते हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए ये सर्विस लोगों को यहाँ पे मिलेगा? नहीं नहीं, यहाँ पहले वायुदूत होता था, वायुदूत सर्विस होता था, बट देयर आर नो टेकर्स, नो पैसेंजर्स, देयर आर नो लोड. ये यहाँ के कलकत्ता, यहाँ से जमशेदपुर होकर कलकत्ता जाता था. तो दैट देयर आर नो दिस थिंग. देन व्हेन आई बिकेम MLA 87 में आई कॉट होल्ड ऑफ वन एक्स एयरफोर्स पायलट, डॉक्टर मिश्रा है, कैप्टन मिश्रा बोलते हैं. तो ही हैड स्मॉल प्लेन, पायलट प्लस 3, ईस्ट एयरवे उसका नाम था. तो आई न्यू हिम पर्सनली. तो उसको मैं बहुत फोर्स करके आई सेड आप चलाओ यहाँ. तो एवरी डे वन और टू ट्रिप जितना ज़रूरत है उस ही स्टार्टेड प्लेइंग. उस टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट 87, द टिकट्स वर 400 रुपीज़. आई स्पोक टू RSP कि आप एक टिकट एवरी डे बुक करो, एंड इनको भी बोले हैं कि आप कम से कम 5-7 टिकट बुक करो तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. बट ना RSP हेल्प किया ना ये किया. मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैज टू बी द लोन पर्सन. फिर भी वो एक साल चलाया, एक दो पैसेंजर के एक साल चलाया, देन ही ऑल्सो गेव अप ऑन दिस थिंग. सो आई थिंक राउरकेला वॉज नॉट रेडी फॉर एयर ट्रैफिक दैट टाइम. नाउ दे आर रेडी बिकॉज एवरी डे वी सी अबाउट 15-20 पीपल गोइंग टू रांची टू कैच अ फ्लाइट, एंड कैलकटा, गोइंग टू कैलकटा इन द ट्रेन ऑल्सो इज बिकम डिफिकल्ट. तो वी स्पोक टू सिविल एविएशन मिनिस्टर, तो एंड द स्टेट गवर्नमेंट, वी इम्प्रेस ऑन द स्टेट गवर्नमेंट टू चीफ सेक्रेटरी टू के मीटिंग ऑल्सो कि यहाँ एयरपोर्ट होना चाहिए. बट दे आर गिविंग मोर टू मोर इम्पोर्टेंस टू झारसुगुड़ा, जो ऑलरेडी इसका प्रीवियस सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ईयरमार्क झारसुगुड़ा, बिकॉज इट हैज़ गॉट अ एयरपोर्ट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एयरपोर्ट है, बेस है. सो इट्स अबाउट 120 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर. सो इट विल टेक 2 आवर्स. मोस्ट ऑफ द सिटी भी जो हम देखते हैं कि कलकत्ता टू कलकत्ता लेट्स से अलीपुर से भी आप एयरपोर्ट जाओगे तो 1-1.5 घंटा लगता है, बॉम्बे में 2 घंटा लगता है. इट नॉट बैड, बट वी वर इम्प्रेसिंग ऑन देम. बट देयर फर्स्ट प्रायोरिटी इज हियर एंड जयपुर, कोरापुट जयपुर. तो बट यहाँ मैं क्या किया हूँ, एक ही चीज़ कर चुका हूँ. आई स्पोक टू द पेट्रोलियम मिनिस्टर, वी हैड अ मीटिंग विद IOC चेयरमैन. मेरे पास चिट्ठी है, आई कैन गिव इट टू यू. यहाँ रिफ्यूलिंग का प्रॉब्लम था. अभी क्या, मैं एक हेलीकॉप्टर लेके भुवनेश्वर से आऊँ तो आ जाऊँगा तो एक दिन पहले मेरे को एक ट्रक में तेल भर के भेजना पड़ता है, फिर भरने से वो वापस जाएगा. हाँ, एंड दिस एयर एम्बुलेंस विच इज़ टू कम ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली और हैदराबाद टू टेक यू देयर, देन इट इज़ टू गो टू द अपोजिट डायरेक्शन टू रांची फॉर रिफ्यूलिंग. सो दैट क्रिटिकल टाइम ऑफ 1.5-2 आवर्स जो था, उसमें एक पेशेंट मर भी सकता है ना, दो क्रिटिकल. फिर जब एक लैंडिंग और करो, एक टेक ऑफ और करो, सो माइट. सो उसके लिए वी इम्प्रेस ऑन देम कि एक यहाँ बाउजर लगना चाहिए. तो फॉर दैट दे हैव गिवन एश्योरेंस दैट 800 किलोलीटर का एक बाउजर रहेगा जहाँ की रिफिलिंग होगा, इज अ मोबाइल रिफिलिंग सेंटर. जब तक अगर ठीक से डिमांड हुआ तो अंडरग्राउंड टैंकर करके करेंगे. सो वी टोल्ड देम दैट 4-5 बार तो ये आ रहा है, एंड 2 प्राइवेट एयरक्राफ्ट्स हैं यहाँ, स्टील प्लांट का आते हैं, अदर इंडस्ट्रीज गेट. तो इसके लिए समा अदर, एंड एवरीथिंग इज नॉट अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, देर शुड बी समथिंग अबाउट सर्विस. सो दे एग्रीड, दे हैव आस ऑलरेडी क्लियरेंस मांगे हैं रिगार्डिंग सेफ्टी प्रोसीडियर. वो होने के बाद देर बी अ बाउजर प्लेस दिया. सो दिस इज वन स्टेप अप टुवर्ड्स गेटिंग अ रेगुलर फ्लाइट और समथिंग. लाइक
एंड दिस मीटिंग जो हुआ था वी टुक अप अ मीटिंग देयर आई टुक अप अ मीटिंग विद अदर प्लेसेस कि यहाँ आरएसपी कैन इंक्रीज द रनवे इवन अ बिग बोइंग कैन कि ना जगह है जो मोदी जी जो मीटिंग किए थे उसका साइड में दैट रनवे कैन बी लो सो एवरीथिंग इज दिस थिंग इफ बट वन ऑफ द थिंग दैट्स आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी वांट्स दैट द एयरपोर्ट शुड बी हैंडेड ओवर टू एयरपोर्ट अथॉरिटी फॉर देम टू डू इट सो दैट मोडालिटीज हैड टू बी वर्कड आउट इंटरनेशनल नहीं नेशनल एयरपोर्ट झारसुगुड़ा इज द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एयरपोर्ट इट्स गॉट एवरीथिंग देयर इज रनवे इज मोर देन नेसेसरी जगह इज मोर देन नेसेसरी दे जस्ट हैव टू बिल्ड अ टर्मिनल प्लस लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज आर कमिंग इन झारसुगुड़ा संबलपुर एरिया इसीलिए दे थॉट एक रेडीमेड है उसको सेंटर और 200 किलोमीटर में सब आ जाएंगे यहाँ का जो लीडरशिप है वही मैं बोल रहा हूँ द सेम रीज़न वाई ESI यहाँ से चले गया हॉस्पिटल चले गया सब कुछ चले गया द सेम थिंग नो वन शाउटेड नो वन स्पोक अबाउट इट सो द मे बी द लीडरशिप वॉज स्ट्रॉगर देयर दैट इज हैपेंड एंड ऑल दिस सो फॉर दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी ईयर मार्क्ड अबाउट आई थिंक 50-60 एयरपोर्ट्स अराउंड द कंट्री मनमोहन सिंह गवर्नमेंट उसमें ये भी करके इसका अगेंस्ट में देव ऑलरेडी स्पेंड सम मनी ऑन दैट सो दैट इज कमिंग बट दैट अपार्ट ऑल्सो अभी देर वॉज अ थिंग दैट 150 किलोमीटर्स का अंदर सेकेंड एयरपोर्ट कांट कम बट इफ यू गूगल नाउ तो उसमें आ गया है कि नाउ दे आर गोइंग टू डू अवे विद दिस मे बी विद इन 100 किलोमीटर्स होने से भी दे विल बी अलाउइंग सो वी हैव स्टिल वी कैन डिमांड फॉर एयरपोर्ट हियर सर अहमदाबाद सॉरी गुजरात हैज 6 एयरपोर्ट्स व्हाट इज द रीजन दैट ओडिशा हैज ओनली वन व्हाट कैन बी द रीजन सी बिकॉज ऑफ लॉपसाइडेड ग्रोथ लाइक भुवनेश्वर एंड कटक देर आर ऑलरेडी 3 मेडिकल कॉलेजेस XIMB इज देयर IIT इज देयर AIIMS इज देयर Institute of Mathematics is there, Institute of Physics is there, you name it, it is there. If this was distributed, it's just lopsided. If there's, we could have done one hub here, one hub in Barampur, one hub in Jaipur, then things, you know, that connectivity should have been there. When it's lopsided, everything is there. IIM, the same problem is there. So, regarding tourism also, whatever we have heard from the time we are born, Katak, Bhuvaneshwar, Puri, Konark. We have not, you know, Orissa has such beautiful places. Even Chilika, which is not even 40 kilometers from Puri, that has not been developed. So we are only within the states. So, once you develop, Jaipur is beautiful places, those Fulbani is beautiful place. But Seguda, they develop, if you have developed those places, then I think this connectivity factor would have come. Industries are also in one place only. So that is the reason the growth is. Kerala, why are you talking about Gujarat? Talk about Kerala, a smaller state than us, and see how many airports they have got. Sir, parking issue. Raukla ka sabse bada issue hai, hum isko bol sakte hai. Main road mein aap kahin bhi gaadi rakhne ke liye jagah nahi hota. Agar ja rahe hain to pura main road full ho ja raha hai. Road ka half side khali parking mein hi ja raha hai. What can be the solution of it? That's a serious solution. I don't know. उसको तो there's hardly any government land कि जिसको निकाल के कर सकते हैं. We discussed about that old taxi stand. The only place where there's little railway land behind that. We can take some permission from the railway and that area का all parking can be done. See, parking गाला if I am the owner and me and my two sons are looking after the hotel, after the shop. The three cars are there parked, right? उसके बाद हमारा जो शॉप में मैनेजर है देर मोटरसाइकिल्स है सो ऑलरेडी बिसाइज द कस्टमर दीज आर फिक्स्ड यू सी दिस इफ यू गो राइट नाउ ऑल्सो एट नाइट ऑल्सो यूल फाइंड दैट मेनी कार्स एंड मोटरसाइकिल्स आर देयर सो दोज वी हैव गॉट टू डू समथिंग कि उनको कहीं रखना है देर टू थ्री वी स्पीकिंग टू द अर्लियर ADM एंड यू सो वी हैड ईयर मार्क टू थ्री प्लेसेस
तो उसको करना पड़ेगा. मे बी मैकेनिकल पार्किंग कुछ जगह में करना पड़ेगा. आई डोंट नो वे टू वर्क इट आउट एंड बिकॉज आई कॉन्ट थिंक टू मच अबाउट इट बिकॉज ऑफ द म्युनिसिपैलिटी और द कॉर्पोरेशन इज नॉट विथ अस. सो आई हैव गॉट अ लिमिटेड स्कोप ऑफ डूइंग थिंग्स. सो मे बी लेटर ऑन थिंग्स विल गो. सर लिकर, शराब और शराबी जो राउरकेला के डेवलपमेंट के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज होके उठा है, तो उसके लिए क्या स्टेप लिया जा सकता है? उसका क्या करना है? जो सी इलीगल इलिसिट लिकर एंड इलीगल थिंग शुड नॉट बी देयर. बट द मेन थिंग इज द आइदर द गवर्नमेंट सेज कि अभी जो गवर्नमेंट किया है कि 10 बजे के बाद कोई पी नहीं सकता है. हाँ दैट कैन बी डन कैंपेनिंग एंड मेनली इट शुड बी डन इन द बस्तीज. सी इफ यू एंड मी ड्रिंक वी ड्रिंक फॉर अ रीजन एंड विल गो अप टू अ सर्टन एक्सटेंट नॉट बियॉन्ड दैट. बट वॉट हैपन्स देयर or you and me are not going to spend all our money, all our savings at the cost of our wife, family on drinks, right? But this man from the basti doesn't understand. Wo jo kamata hai usko zyada pee ke jo bachta hai wo ghar mein laake de raha hai. So that campaigning is necessary. Sir, not even in basti, but in fact we are calling some people teenagers, you talk about drugs. Yeah, more than drinking it's drugs and all this. Yeah, it's already come into Raulkela. We have already spoken to the earlier SP. So we baat hua tha ki there are 3-4 places we had identified. It should be raided and stopped and all this. So maximum time due to Raulkela development, official work, aap bahar rehte ho, tour pe rehte ho. Sir, who is the representative aapke behalf mein? Who said? I am giving you 15 days time. No MLA gives more than that to any of the country. That by sure, but ab. रहते हो सर बाहर तो नहीं कोई नहीं रहता है. यू टेल मी वन MLA हु गिव्स मोर देन 15 डेज इन ए मंथ. यू डोंट एक्सपेक्ट MLA टू बी हियर 30 डेज अ मंथ. ही हैज टू वर्क इन द असेंबली में भी काम है उसका अपना भी काम है. तो आई एम हियर ओनली मोस्ट ऑफ दैट आई एम कीपिंग इट. नहीं रहते हो तब वी गॉट अ कमिटी मेंबर्स और प्रेसिडेंट इज देयर. वी आर कीपिंग अ टैब ऑन देम एवरी डे. दे टेक माई एडवाइस ऑन वॉट टू डू. कौन है The president is there, hamara Ranjit is there. We've got a team, we don't have a single person. We've got a team. Dhiren Sarnapati is our president. Mera aur inka Jewel Oram ji ka bahut aadmi common hai jo hamara representative hai. We get together and do that thing. Sir, nahi, logon ka manna ye hai ki Dilip Rai is not reachable. That is a manna hai sir. Kaun, you tell me one person who will say that I am not reachable. I meet at least 500 people a day. If you stay here and I meet each and every people and go from 4 in the morning to 9 at night. So this is something absurd that I am not reachable. Please, I'll challenge you to get me one person who says I am not reachable. If I am not reachable, no one can be reachable. And I make sure I meet every person. And please, I want a clarification on this. But you, one person you get me who say, will say that I am not reachable. The time I am spending here, usme wo aaya hai, mereko mila nahi hai. Or I have not told them, I will not talk to them. Sir, Basanti Overbridge, election se pehle bhi hum log ne iske baare mein discussion kiya hua tha. To aapne bola tha ki mera jo blueprint tha, maine jo chah raha tha, wo underground karke hume chah raha tha ki underground karke ho. Lekin ek to overbridge karne ke wajah se, ek wo jagah pada, plus jyada paisa pada. That is the ugliest part of Raulkela now. If you add this thing through Birjapalli, we had already told that it's an underpass like Panpos, big underpass where trucks can go. And that is maybe 1/5 the cost and it would have gone straight and got into that. That is the thing I had, when I was a MLA, I had decided and worked on it. Isko suddenly ye log this huge structure karke, I think it's already... Things are going wrong with that thing. And वहाँ कभी भी एक्सीडेंट होगा, you have seen that thing projecting out those beams and all this. Anything can happen any time and all that this. That is the question, sir. Traffic system पूरा fail हो चुका है. Fail होगा उसको. अंबेडकर चौक में. So जो हो चुका है उसके. And you can't turn around also. फिर court का या तो you have to buy court का area तोड़ना पड़ेगा. So what can be done with this? I don't think anything can be done. You have to live with it. अभी का अदरवाइज और वी द वे द कंस्ट्रक्शन इज डन व्हाट द पीपल टेल मी दैट इज गोइंग टू फॉल ऑफ समडे. इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड क्रैकिंग एट प्लेसेस. सो
रॉयकला का अवेटिंग प्रोजेक्ट पानपोस ओवर ब्रिज. सो लाइक ऑलरेडी क्लियरेंस हैज बीन डन फ्रॉम द लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट. नाउ इट्स द टर्न ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. पहले भी सर क्लियरेंस के लिए लास्ट ईयर प्रॉब्लम हो चुका है, तो इस बार सर आप कैसे स्टेप लेंगे क्लियरेंस के लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ गिवन अबाउट 2011 में से अप्रूवल हुआ है, तो इट हैज़ 1063 करोड़ का आया है. उसके बाद दे कुड नॉट, मनी हैज़ ऑलरेडी बीन गिवन फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंड, दे हैव नॉट बीन एबल टू डू. मैं आने के बाद आई केप्ट ऑन फॉलोइंग इट. द अर्लियर एडीएम उसको लग के नाउ दे से दैट 60% ऑफ द लैंड हैज़ बीन दिस थिंग, बट बाकी भी झमेला चल रहा है. दिस टाइम आई हैड, वी हैड गॉन टू मिस्टर गडकरी, वी हैड ए मीटिंग. तो वी फाउंड दैट सब कुछ ढीला ढाला है. आई हैड मेट द CM ऑल्सो, आई थिंक यू नो अबाउट इट. CM को मिल रहा कुछ भी ना, यहाँ से कोई खबर भी आया टू दिस प्लेस. तो एनी वे वी हैड ए बिग डिस्कशन विथ NHAI. द मिनिस्टर वॉज देयर, द चीफ इंजीनियर को बुला के किए हैं. करने के बाद आई इम्प्रेस ऑन देम दैट प्लीज डोंट, दिस इज वन टेंडर NH 143 विच इज कनेक्टिंग NH 6, राइट. सो part of that is 2-3 bridges that had come into it. One of them is Panpos bridge. So he said, what do we do, because sab late ho raha hai. So I said, disconnect this Panpos bridge and make it into a separate tender of the same work, which he has agreed. The person they have sent a proposal. The chief engineer came here, had a meeting with everyone in Bhubaneswar, and they have finally put up a proposal to the minister ki isko segregate karke tender karne ke liye. The minister is in Bombay, Maharashtra election mein hai. Jaise hi aata hai, I'll follow it up, and by December I hope that this gets cleared and we go in for a tender process for that only, because ye road jaldi ho jayega, the bridge will take its time. So that we have to do. So hopefully this should start. I'll let you know as soon that is ready. Slums, eviction process, development. How you relate these three words? Why eviction? We're not talking about eviction. We're talking about development of the slum. Jo ho gaya ho gaya. It should not be aur zyada usko load nahi dena chahiye, but we are doing everything for the development of peene ka pani, toilet, schools, concrete roads and drains. Sir, how it will be developed? Like last day also there is an issue about DAV college. We don't want to stand in front of development. There are 2-3 projects which have already come. This is a hostel project here. One is washery of in Malgodam area, and one is that station. So we are on that area, we are trying to resettle them someplace. That is what we do. Resettle and then do whatever you want to. So these people have been resettled. It is this 10-15 people I told you about RGH have been resettled. They are right in front of my house here, so we brought them here. Now we are discussing with ADM that whatever area is required minimum, usko dekh lijiye, because they have got 2 garages there. So garages ko cut ke usko agar bana denge, garages mein to huge ones, those go down type of garages, DAV had 2, if you go there you will see it. So usko le jane se 2 garages ka jagah bach gaya, aur jo minimum 30-35 ghar hoga usko hum side mein karke karenge. But I think administration wants to clear up everything. We are working on that and all this. But new kuch tod rahe nahi hai, but jo jiske liye paisa aa gaya, development ka kaam hai, wo to karna padega. We can't stand on this way. Sir, ESI medical college and hospital. Bas ek simple question. Any hope? That is what I told you in the beginning. Maybe the whole thing cannot come. We are going to fight till that, but a part of it has to come here. Has to come here. We'll work on that. And I am Raul Kila. हम सब जानते हैं आप उसके लिए कितना लगे हैं, कोशिश कर रहे हैं. But the ground reality आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है. What is the state? See, ground reality मेरे से अच्छा the CM knows, because he has to send three places he has to. So first हमारा नाम आया नहीं था. After हम लोग जब हल्ला गुल्ला करने के बाद हमारा नाम आया. आउट ऑफ 3 जाने के बाद देन विल फाइट इट आउट देयर अगेन. लाइक आई सेड, लॉपसाइटेड डेवलपमेंट शुड नॉट टेक प्लेस. एंड उसको गवर्नमेंट जो बोल रहा है जयपुर में कर देंगे और बरमपुर में कर देंगे, देयर हैज़ टू बी यू नो लाइक यहाँ पे NIT इज देयर. NIT इज रेडी टू होल्ड योर हैंड फॉर सम टाइम, हेल्प यू आउट फॉर सम टाइम, एंड दिस इज द प्लेस. सो देयर लॉट ऑफ जस्टिफिकेशन, एयरपोर्ट वेयरपोर्ट सब कुछ का जस्टिफिकेशन है.
लाइक वी ऑल्सो टोल्ड दैट कैलकटा का आई आई टी कैलकटा IIM IIT आर ऑन द सेम, उनका तो नॉर्म्स आर सेम. सो IIT कैलकटा एंड कैलकटा एयरपोर्ट इज अबाउट सेम, अबाउट 120-130 किलोमीटर्स, 140 किलोमीटर्स मे बी, विच इज झारसुगुड़ा एंड राउरकेला इज सेम. सो वी हैव गिवन ऑल रीजनिंग्स दैट इट शुड बी डन हियर एंड विल फाइट फॉर, लाइक वन इज स्मार्ट सिटी एंड दिस वी आर गोइंग टू फाइट इट आउट. सो आई एम स्पेंडिंग अ वीक एवरी मंथ देयर टू डू ऑल दिस थिंग्स देयर. राउरकेला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सबसे बड़ा जो इशू है कि लोग इसके साथ जुड़ना नहीं चाहते हैं, लोगों के कमी के वजह से ये हो नहीं पा रहा है. तो इसका क्या रीजन हो सकता है कि लोग जुड़ना नहीं चाह रहे हैं, या जुड़ना भड़काया जा रहा है? जुड़ना नहीं चाहता मतलब वो लोग राउरकेला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से नहीं, ओनली टू एरियाज देयर, जगदा एंड झिरपानी ओनली. सो माडियापुदर साइड वाले भी लोग जुड़ना नहीं चाहते, बिकॉज दे थिंक यू नो, आने के बाद सपोज दैट इज व्हाट दे टेल मी, दैट सपोज आई वांट टू मेक अ स्मॉल हाउस देयर, अभी घर बना दो. They said that for little making a little house, I have to come to municipality, RDA, corporation, and you know, then get it done. Why should I get into that? My headaches will, my development will take place. They are not bothered, but my day to day, my problems will go up. Plus, the land holdings are big there, right? So, वो तो agricultural land है, कोई 4 acre, कोई 5 acre, कोई 2 acre, बोले कि उसका ऊपर ये लोग holding tax लगा देंगे, तो it'll be a huge sum. So these are the thing issue which has to be addressed before there. But there are certain people, they are ready, like Tumkela, Luakera, Luakera, Tumkela, Hamirpur. I said that these people are ready, and this Phata pipe to diesel colony, they are ready. If you can get them, I don't need any more. Even if Jhirpani and Jagda are not taken in, and these are taking in, they are agreed and it should be done. Unwanted power cuts, Royal का daily का ये like it's a problem for people. Even inform भी नहीं किया जाता है, जो बोला जाता है कि power cut से पहले सबको informed होता है कि इतने से इतना घंटा power cut होगा, वो भी inform नहीं किया जाता. Daily 3 से 4 घंटा power cuts होता है. That is there also. नहीं, there also it's there. I'm from Bhubaneswar ना. So it's you by sitting here you think it's not. This is by giving it to these private companies. I think they are doing the best to earn their own money. नहीं तो इतना कभी होना नहीं चाहिए. It's monsoon time. How, why power cuts and all this? Power cuts here, now we have power cuts here. We have power cuts in, कम से कम in Bhubaneswar, I've seen 8 to 10 times we count that there are power cuts there. The generator is on most of the time. So this is the scenario everywhere. They are trying to peak hours में किसको देने से ज़्यादा पैसा मिलेगा, किसको, these are all things going on. And I'll tell little things like पहले ये बस्ती में यू हैव टू गिव कनेक्शन, तो ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर दे गिव, नाउ आई हैव टू पे फॉर द ट्रांसफॉर्मर, आप अपना फंड से ट्रांसफॉर्मर दीजिए, हम करेंगे, मैं ट्रांसफॉर्मर दूंगा, वो कनेक्शन देंगे, पैसा वो लेंगे, बट ट्रांसफॉर्मर 5 lakh का ट्रांसफॉर्मर मैं दूंगा. सो दैट डजंट मेक सेंस. आई डोंट नो हाउ, इट्स अ टोटल फेलियर आई थिंक द वे इट्स गोइंग. उसके लिए स्टेप्स हल्ला ही कर सकते हैं, और तो कुछ कर नहीं सकते हैं. Till we don't come in government, we can't do much about it. So nowadays, like hot topic, हर जगह जो चल रहा है वो है college elections. तो सर आपको कहाँ तक ये लगता है कि political parties college election में जो अपना nomination देते हैं या affairs में include होते हैं वो कहाँ तक सही है? मैं तो if I had my way, it should not be allowed. It's something the college election are for their college. They should handle it themselves. And I think another thing they should do is school and colleges, none of the politicians should be called for becoming the chief guest. Because you call me to a chief guest for your college, and last mein aap khade hoke bologe mere ko mera latrine ya toilet chahiye, mera road chahiye mera, and as a chief guest I'll say everything gone, I'll do it, everything will be done, and I'll come away as a minister, and that's the end of the story. So you teach the students how to tell lies from the beginning. So I personally avoid colleges and school to go, and I think school, colleges and other politicians ko ghusna nahi chahiye, and this is very wrong for political parties to get into college elections.
घुस रहे हैं, इसे बंद होना चाहिए। आई नो अब जब कोई तीन घुस रहे हैं तो हमको भी घुस रहे हैं, बट आई हैव डिसाइडेड फ्रॉम नेक्स्ट ईयर आई एम नॉट गेटिंग इनटू दिस। आई हैव टोल्ड आवर पीपल आल्सो दिस द एंड ऑफ इट, वी डोंट, आई एम डोंट पर्सनली आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट। तुम लोगों को घुसना है घुसना। सी टूरिज्म, देयर आर टू थ्री थिंग्स इन टूरिज्म बिसाइड्स द मेन थिंग इज वेद व्यास, उसको डेवलपमेंट करना है। वी हैव गॉट सम प्लान्स, अगर दैट कम्स इन टू द कॉरपोरेशन एरिया वी कैन डू ए लॉट ऑफ थिंग्स देयर, ए प्लेस टू स्टे देयर। एक कोई आदमी जाता है वहाँ रहने के लिए भी जगह नहीं है। सो इफ़ यू सीन द बर्निंग घाट, आई हैव डन इट ड्यूरिंग माई टाइम, पहले तो कीचड़ होकर जाने का, दैट बर्निंग घाट यू हैव सीन ना, दैट वॉज डन बाई मी ओनली, दैट वॉट एवर हैज़ बीन डन, कंपाउंड वॉल, दैट सीमेंट रोड कुछ भी नहीं था, पहले कीचड़ था। आई रिमेंबर वन आई टुक माई फादर्स बॉडी देयर एंड आई वेंट फॉर अ टॉस ड्रेन, तो पकड़ के जाकर देन समय पकड़ लिया, मैं खिसके करीब 15-20 feet बिकॉज इट्स वॉटर लाइक दिस। सो देन आई डिसाइडेड दैट गिवन अ फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई डू इट, आई डिड इट। लॉट ऑफ देर हैज़ टू बी इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम, वो भी करना है, प्लस दैट एरिया हैज़ टू बी डेवलप, इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस, दैट इज द वन थिंग, दैन लिटिल लाइक लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी डन, मेकिंग अ that what do you call that Lakshman Jhula type of thing from Chen to Bedvyas, all those things can be done maybe later on. One our last or sabse important question jo hai placement Rourkela ke sabse bada hai jo samasya hai wo hai bekari samasya, to iske liye jaise ki higher studies karne ke baad yahan pe karne ke liye kuch bhi nahi hai except RSP jahan pe ki milna kafi mushkil hai, to hum paisa paane ke liye bahar bahar ja rahe hain, bahar bahar kaam kar rahe hain, तो उसके लिए अब क्या स्टेप ले रहे हैं जो कि सबसे बड़ा है? उसके लिए मेन थिंग कुछ, मैथ एज ए MLA आई कांट डू मच, इट इज द गवर्नमेंट हुज हैज टू, लाइक क्रशर यूनिट, 65 क्रशर यूनिट्स आर क्लोज्ड, एवरी क्रशर यूनिट है 15-20 पीपल आर वर्किंग देयर, तो दोज यू नो दोज इंडस्ट्री हैज टू बी एक्टिवेटेड इन दिस एरिया, उसमें नौकरी काफ़ी मिल जाएंगे, बट नहीं हो रहा है वो। सो फॉर दैट वी आर ऑलरेडी, वी हैड टेकन अप क्रशर्स को लेके गए थे, वहाँ मीटिंग कर रहे हैं, दैट दीज थिंग्स शुड बी स्टार्टेड। एंड जो बाहर से आ रहे हैं, लाइक लॉट ऑफ इसका काम चल रहा है अभी RSP में, वेयर लॉट ऑफ वर्क हैज बीन फॉर हाउस कीपिंग एंड अदर मेंटेनेंस वर्क हैज बीन ऑफलेटेड टू प्राइवेट पार्टीज, दे हैव टू फोर्स दैट लोकल लोगों को रखने के लिए। मिसेज आई रियली थैंक देम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि मेरे इलेक्ट किए हैं, इन स्पाइट ऑफ उल्टा हवा मेरे को किए हैं, एंड आई जस्ट वॉन्ट देम, जस्ट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डू द बेस्ट फॉर एवरीथिंग, जितना भी अच्छा हो सकेगा मैं करने का कोशिश कर रहा हूँ, खाली भुवनेश्वर में नहीं, दिल्ली में, बट आई हैव गॉट माई लिमिटेशंस, बट ऐसी लिमिटेशन मेरा 85 में मैं जब खड़ा हुआ था तभी भी था, जब कांग्रेस का रूल था, हम लोग उस टाइम भी 7 MLA जीते थे बीजू पटनायक और हम लोग मिलकर, बट उस टाइम ऑल्सो आई हैव नॉट नेवर लेट देम डाउन, आई नॉट लेट देम डाउन, बट आई वॉन्ट कुछ नहीं तो सरकार तो मैं बोल कुछ नहीं कर सकता हूँ, बट एटलीस्ट द कॉरपोरेशन हैज़ टू कम टू मी फॉर डूइंग समथिंग फॉर द पीपल ऑफ Rourkela। उस टाइम मेरे को म्यूनसिपलिटी दिए थे, एज ए चेयरमैन म्यूनसिपलिटी आई वर्कड ऑन एवरीथिंग। एंड लास्टली आई वॉन्ट टू से आई एम ऑल्सो मैं इमीडिएटली एक बड़ा प्रोजेक्ट में आई एम इंटरेस्टेड टू मेक अ टाउन हॉल देयर, एक टाउन हॉल नहीं है, सो वी हैव ऑलरेडी वर्कड ऑन इट, एक 20 crore का टाउन हॉल काम किए हैं, उसका वी आर वर्किंग ऑन इट, आई एम ट्राइंग टू गेट द फंड फ्रॉम डिफरेंट मिनिस्ट्रीज इन वहाँ पे फ्रॉम दिल्ली, तो दिस आई विल गिव इट टू यू, दिस इज द बिगेस्ट टाउन हॉल, स्टेट ऑफ आर्ट इन इन ओडिशा, दिस द टाउन हॉल एंड ए मैरिज हॉल भी किए हैं, दिस इज 12 crore का बजट है, और एक ये वाला है, दिस इज अबाउट मैरिज हॉल एंड अदर एक्टिविटीज, योगा एंड एवरीथिंग यू कैन डू, ये 8 crore का है, सो दिस आई एम वर्किंग ऑन दिस, द लैंड हैज जस्ट बीन अलॉटेड 4 days बैक, यहाँ लगा के इट्स इन फ्रंट ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वो मैं ले लिया हूँ, सो आई एम गिविंग दिस कॉपी, दिस इज द टाउन हॉल, दिस इज द मैरिज हॉल एंड जॉगिंग पाथ, ये 4-4.5 acre का जमीन मिल चुका है, विच इज बीन ट्रांसफर टू लैंड अलॉटमेंट कमिटी हैज ऑलरेडी गिवन, आई एम वर्किंग ऑन दिस, दिस इज वन ऑफ द लैंडमार्क्स दैट आर कमिंग टू Rourkela, सो आई विल गिव इट टू यू, थैंक यू।